केंद्र सरकार की ओर से लागू की गई अग्निपथ योजना का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। देश भर में हुए विरोध प्रदर्शन के बाद छात्र संगठन भी अग्निपथ योजना का विरोध करते नजर आ रहे हैं। शिमला में स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अग्निपथ योजना का विरोध किया। SFI के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। शिमला के उपायुक्त कार्यालय के बाहर आक्रोशित SFI कार्यकर्ताओं ने अग्निपथ योजना का पुतला भी फूंका। इस दौरान SFI कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ हल्की मुक्की धक्का मुक्की भी हुई है। इस दौरान SFI के राज्य सचिव अमित ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। अग्निपथ योजना को देश के हित में बताकर बच्चों के साथ अहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार के पास इतनी ही आर्थिक तंगी है तो आखिर विधायकों और सांसदों की तनख्वाह और पेंशन में कटौती क्यों नहीं की जा रही है। उन्होंने कहा कि अगर देश की सेना के लिए ऐसी नीति लाई जा रही है तो नेताओं को अपने लिए भी ऐसी नीति लानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना के जरिए सरकार देश को कमजोर करने का काम कर रही है। अमित ठाकुर ने कहा कि मौजूदा वक्त में भारत के रिश्ते अपने सभी पड़ोसियों के साथ खराब हैं। ऐसे में सरकार को चाहिए कि सेना का सशक्तिकरण किया जाए, लेकिन सरकार सेना को सशक्त करने के स्थान पर सेना का निजीकरण करने का काम कर रही है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। SFI ने सरकार को चेताया है कि यदि योजना वापस नहीं ली जाती है तो आगामी समय में आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। जी हां, आज स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया राज्य कमेटी के आह्वान पर शिमला जिला उपायुक्त कार्यालय के बाहर हिमाचल प्रदेश के तमाम नौजवान और छात्र यहां पर इकट्ठा होकर इस सरकार को, जो आज पूंजीपतियों की दलाल बन चुकी है और एक ऐसी ठेकाकरण की नीति हमारे देश की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के साथ खिलवाड़ करते हुए एक ठेकाकरण की नीति अग्निपथ योजना के माध्यम से सेना के अंदर जो लागू की जा रही है उसके विरोध में आज इस सरकार का पुतला दहन यहाँ पर SFI ने किया है। और ये चेतावनी है इस सरकार के लिए कि आज जिस तरीके से देश भर के अंदर नौजवान, देश भर के अंदर छात्र जो एक आस लगाए बैठे थे कि जो उनका 2 साल पहले कोविड महामारी से पहले अलग अलग सेनाओं की भर्तियाँ हुई थी, उन सेनाओं की भर्तियों को उनके जो ज्वाइनिंग लेटर का इंतज़ार वो लोग अपने घरों के अंदर कर रहे थे, आज जिस तरीके का फरमान इस सरकार ने और अलग अलग सेनाओं के माध्यम से निकाला गया कि ये जो सारी भर्तियां वो रद्द की जाएगी, वो कहीं ना कहीं इस सरकार के आर्थिक दिवालियेपन को भी दर्शाता है और देश की सुरक्षा के प्रति जो उसकी जिम्मेवारी थी उस जिम्मेवारी से किस तरीके से आज सरकार पीछे हट रही है। और एक ऐसी योजना जिसको देश भर के अंदर नौजवानों के साथ साथ हमारे जितने भी रक्षा विशेषज्ञ है, भूतपूर्व सैनिक है, वो सब लोगों ने इस जो है अग्निपथ योजना का विरोध किया है और इसे देश की संप्रभुता के खिलाफ, इस देश की सेना के अंदर जो सुधार की दृष्टि से योजना लाई गई है वो किसी भी तरीके से, किसी भी अगर हम इसको देखेंगे नजरिए से, देश की सेना के सुधार के लिए नहीं बल्कि देश की सेना को कमजोर करने के लिए नीति लाई गई है। आज हमारा देश जो है अलग अलग अगर देखेंगे अपने हमारे देश के इर्द गिर्द जितने भी हमारे पड़ोसी देश है, हमारी किसी भी देश के साथ अच्छी मित्रता नहीं है, सारे पड़ोसी देश आज हमने जो है उनके साथ दुश्मनी मोड़ ले ली है। ऐसे समय के अंदर जब हमें अपनी सेना को मजबूत करने की ज़रूरत थी, जब हमें अपने सेना को जो है अलग अलग तरीके से जो है ट्रेंड करने की ज़रूरत थी, तो एक ऐसे समय के अंदर एक ऐसी नीति सरकार ने लाई है जो जिससे ना तो ट्रेंड सैनिक हमारे होंगे, दूसरी तरफ जो सेना के अंदर जवान भी होंगे उन्हें एक जो सोशल सिक्योरिटी उनके परिवार को मिलनी चाहिए थी वो इसके अंदर साफ तौर पे नहीं है। जहाँ तक सवाल बहुत सारे देश के अंदर अलग अलग भाजपा के द्वारा और उनके संगठनों के द्वारा किए जा रहे हैं कि इससे जो है ये कोई रोज़गार नहीं है, ये देश सेवा है। देश सेवा तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है, नेता लोग भी देश सेवा करते हैं लेकिन उन्हें तो पेंशन भी मिलती है, उन्हें तनख्वाह भी मिलती है, वो उसके अलावा और भी बहुत सारे भत्ते मिलते हैं, फिर सेना का जवान ही इतना बलिदान क्यों दे, वो क्यों अपनी जान को हथेली पर रखकर जो है वहाँ पर सेना की देश की बॉर्डर पर जो है अपनी ड्यूटी भी देता है, उसके बावजूद उसके परिवार के साथ क्या होगा, इसके बारे में सरकार जो बिल्कुल चुप है। हम चाहते हैं कि इस अग्निपथ योजना को सरकार तुरंत वापिस ले। हिमाचल प्लस न्यूज़ के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।